थाना मुंडा पांडे गांव सिरसखेड़ा निवासी सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में गांव के दबंग लोगों पर मारपीट कर व झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के सुरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, रोहित पुत्र विजयपाल दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो आए दिन शिकायत करता व उसके परिवार वालों को पुरानी रंजिश के चलते मारपीट व दुष्कर्म जैसे संगीन मुकदमों में फंसा कर गाँव से भगाने की धमकी देते रहते हैं। इस तरह की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर शिकायत करता सुनील कुमार ने कई बार इसकी शिकायत थाना मुंडा पांडे को की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान होकर सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने मामले की उचित कार्यवाही करने की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील। सुनील जी, कहाँ से आए? गाँव सरसखेड़ा। थाना कौन सा लगता है? थाना मुंडा पांडे। क्या शिकायत है आपकी? सर, शिकायत ये है, मेरे गाँव के ही कुछ लोग जो दारू पीते हैं, दारू पी कर कर मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हमारे घर से माँ गई या बहन गई, दुकानों पे जाना है, हम गए तो गाली गलौज करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, बहुत बुरा। बोला लड़ाई झगड़े से डरते नहीं, बदमाश किस्म के लोग हैं साहब। तो हमसे नहीं, इनका नाम है सुरेंद्र, एक का, ये पांच भाई हैं साहब, एक का सुरेंद्र नाम है, वो नंबर वन आदमी है साहब लड़ाई झगड़े में, और दूसरे का नाम है जितेंद्र, और तीसरे का नाम है धर्मेंद्र उर्फ धर्मा, उससे उसका नाम है रोहित, और एक का नाम है सोनू। सर, झगड़ा ये करते हैं, मेरे भाई जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं हमारे खिलाफ वो शिकायत करके हम आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, ठीक है ना? कैंसर लड़ाई झगड़ा करो, ये प्याऊ लोग हैं, किसी भी बिना बात के गली गलौज करते रहते हैं। कुछ शिकायत आपने की? जी, हमने थाने में भी शिकायत करी। कोई कार्रवाई हुई? जी, कार्रवाई भी आई, पुलिस भी आई, और उससे पहले जो है साहब इन्होंने क्या काम करा, ये बन्न बार बैसे हैं, लड़ाई झगड़ा करा और खुद एक दूसरे के घर में आग लगाते हैं, अपने छुरी चक्कू मारकर नाटकबाजी कर लेते हैं। ये है सब पूरे, यही ना, हम सब वाल्मीकि लोग गांव में रहते हैं, हमारी ये इस बात पर बूझ लिया जाए कि हम हमारी बात झूठ हो तो हमारी सेवा नष्ट करते जाए। जी, आज किससे मिले हैं? आज हम सब साहब से मिलने के आए। क्या चाहते हैं? जी, हम ये चाहते हैं साहब, क्या बोले, हमारे साथ हमारी जान माल का बहुत बड़ा खतरा है साहब, हम गाँव में, हमें गाँव से ही भगाना चाह रहे हैं, और जो लोग हैं कुछ वो इन्हें सिखा के और हमें मरवाना चाह रहे हैं साहब, कहीं गांव छोड़ के भाग जाएं।